उधर हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा है, एक पक्ष ये कहता है कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, और दूसरा पक्ष ये कहता है उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूरी भाजपा हिंदू नहीं है। यानी भाजपा को आप हिंदू नहीं कह सकते हैं, हिंदू समाज एक विशाल समाज है, आरएसएस हिंदू नहीं है। कहने का मतलब सारा ठेका आपके ऊपर नहीं है, हमारे दल में भी विपक्ष में भी हिंदू हैं, और हिंदू जो है अहिंसक होता है। वसुधैव कुटुंबकम का इनका जो है नारा है, आप नफरत बांटते हो, इस तरह का भाषण भी वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का। ये देश डर का देश नहीं है, तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। उधर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जी ने भी उनका पक्ष लिया, राहुल गांधी जी के बारे में साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया, केवल बजरंग दल, भाजपा के जो भी सहयोगी दल हैं उनकी ये बनी बनाई किसी को जो है बदनाम करने की साजिश है। और इस तरह से जो है दोनों तरफ से फेम डिफेम का दौर चल रहा है। लाइट, ये बिजलियां जो है बारिश में कभी आती है कभी चली जाती है, हर जगह जो है बड़ी परेशानी का माहौल है। उधर बिहार की राजनीति भी उफान पर है। दो तरह के चर्चाएं सामने हैं, चार विधानसभा का उपचुनाव जिसमें एनडीए के घटक दल किस किस को देंगे, और यूपीए यानी महागठबंधन के घटक दल किस किसे उम्मीदवार बनाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार के बारे में अब चर्चा यह शुरू हुई है वो पलटी मारने वाले हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए, वो पैकेज की डिमांड कर रहे हैं और धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। नीतीश कुमार भी अब रुकने वाले नहीं हैं एनडीए में, तो पूरी विधानसभा का चुनाव होगा अथवा उपचुनाव होगा, इसकी चर्चाओं का दौर बड़ी चरम सीमा पर है। लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव से मिलकर नीतीश कुमार का समीकरण फिट बैठता है। उधर एनडीए में नीतीश कुमार पूरी तरह से कंफर्ट जोन में नहीं है, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलने की फिराक में है, बहाना ढूंढ रहे हैं, और इस तरह से जो है कभी भी वो एनडीए से बाहर आ सकते हैं, महागठबंधन में आ सकते हैं। लोग घड़ी घड़ी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक जब उनकी गाड़ियाँ राजभवन की तरफ बढ़ती है कैमरा तन जाता है, रिपोर्टर भी एक्टिव हो जाते हैं कि शायद आज ही पलटी मार देंगे। इस तरह से कयासों का दौर चल रहा। बारिश की वजह से आवागमन ठप है, लोग परेशान हैं, रास्ते बंद हैं, जगह जगह बाढ़ की स्थिति है, और बिहार में अभी तक 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं।
भ्रष्टाचार का ये गजब का आलम है। अब हम क्या कहें कि लालू ये प्रसाद यादव की वो 15 साल वाली जंगल राज थी, या अथवा नीतीश कुमार जी का ये जो 20 साल का राज है जिसमें भाजपा भी साथ में रही है। तो भ्रष्टाचार किसने किए, क्योंकि ये तो साफ धुले हुए लोग हैं, दूध के धुले हुए लोग हैं। ईडी तो कभी भी इनके सांसदों विधायकों के ऊपर छापा भी नहीं मारती, बिल्कुल कहती है ये भ्रष्टाचार मुक्त है। वो 5 पुल जो गिरे हैं वो इन्हीं के शासन काल में गिरे हैं, क्या इसका जांच जरूरी है कि नहीं? उधर विभाग ने पिछले 30 साल में जो बने हैं पुल सबकी जांच बिठा दी। कहने का मतलब यह है कि 20 साल नीतीश कुमार का शासनकाल और 10 साल लालू प्रसाद यादव का शासनकाल, यानी 30 साल में कवर हो जाएगा कि 2-4 चोर इधर के थे, 2-4 चोर उधर के भी थे। ये राजनीति है, हर जगह चर्चाओं का दौर है। अब तो पुल पर गाड़ी चढ़ाना, पुल पर चलना बिहार में डर लगता है। बारिश के मौसम में एक भी पानी का धार झेल नहीं पाती ये पुल। सरकार जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, यही चर्चा आम लोगों का है। लोग ये कहते हैं चाहे इसे चुन लो अथवा उसे चुन लो, आएंगे तो भ्रष्टाचारी ही। और इस तरह से आम जनता असंतुष्ट है, रास्ते बंद हो रहे हैं लोगों को निकलने के लिए, काम करने के लिए। और ऐसे हालात में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोजहा मजदूर होते हैं, जो डेली काम करते हैं, उनके पेट पर लात पड़ जाती है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति नाराज है और मजदूर मर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।